हेलो दोस्तों, आज के ये वीडियो में अपन देखेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है वो समझ लो। इफ एक्स वाई जेड ए बी सी आर रियल नंबर एंड नन ऑफ दीज क्वांटिटीज आर जीरो एंड अल्सो एक्स वाई इक्वल टू ए, एक्स जेड इक्वल टू बी, वाई जेड इक्वल टू सी, और लाना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है। देखो मैं कुछ स्टेप्स आपको बता दूंगा इसमें, एकदम इजी वे से कैसे क्रैक किया जाएगा क्वेश्चन। तो कुछ स्टेप्स बताने के बाद आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं आगे के स्टेप्स, ठीक है? तो देख लो अपन क्या करेंगे। अब अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लाना, ये अपना लक्ष्य है, ये अपना गोल है। तो ये लाने के लिए अपन क्या करेंगे, अप्रोच देखो, एक्स वाई का वैल्यू ए दे दिया है और एक्स जेड का वैल्यू बी दिया है, वाई वाई जेड का वैल्यू सी दिया है, बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, इसको वन बोलेंगे, इसको टू बोलो और इसको थ्री बोलो। फिर क्या करने का, वन और टू को मल्टीप्लाई कर देना। क्यों सर? देख लो, एक्स वाई इंटू एक्स जेड इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी, तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वेयर वाई जेड इज इक्वल टू ए बी, बट वाई जेड का वैल्यू आपके पास है, वाई जेड का वैल्यू सी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर सी इक्वल टू ए बी, तो एक्स स्क्वेयर का वैल्यू आ जाएगा ए बी अपॉन सी। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या करने का, वन सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर लो, एक्स जेड इंटू वाई जेड इज इक्वल टू आ जाएगा बी सी, तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, बट आपके पास एक्स वाई की वैल्यू है, यस सर, एक्स वाई की वैल्यू ए है, ए जेड स्क्वायर बी सी, तो जेड स्क्वायर आ जाएगा बेटा बी सी अपॉन ए। बट अब सुनो सब जन, अब क्या करो, वीडियो को लगता है तो वन मिनट के लिए पॉज करो या 30 सेकेंड के लिए। इसके अगला जो स्टेप रहेगा वो क्या रह सकता है सोचो, वीडियो को पॉज करो बेटा, बराबर है? तो आप सोचेंगे तो मेरे हिसाब से मिलेगा आपको आंसर, और नहीं मिलता है तो वीडियो को कंटिन्यू करो या क्रॉस चेक कर लो आंसर अपना जो भी आया है। चलो अगला जो स्टेप रहेगा बेटा वो रहेगा, जैसे कि आपने वन इंटू टू किया, टू इंटू थ्री किया, तो वन इंटू थ्री कर लेंगे, बराबर है? तो वो आ जाएगा एक्स वाई इंटू वाई जेड इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स जेड इज इक्वल टू ए सी, तो वाई स्क्वायर वैसा कि वैसा, एक्स जेड का वैल्यू आपके पास है बी, तो वाई स्क्वायर का भी वैल्यू आ गया ए सी अपॉन बी। तो एकदम इजी वे से बताया मैंने ये क्वेश्चन, मतलब ये ट्रिकी वे बोलते हैं इसको, सिंपल वे, शॉर्टकट से बता दिया मैंने। बट सर अब अगला स्टेप वेरी सिंपल बेटा, अब अपने को लाना था गोल क्या था अपना, देख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, वेरी गुड। तो वैल्यू पुट करो ए बी अपॉन सी प्लस बी सी अपॉन ए प्लस ए सी अपॉन बी, बट ऑप्शन मैच करना है अब अपने को, तो ऑप्शन मैच करना है तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है बट ऑप्शन में ये नहीं है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा है डिनोमिनेटर में, कौन सा टर्म है सी, तो उसके साथ में कौन नहीं है, ए बी नहीं है, तो ऊपर नीचे ए बी से मल्टीप्लाई करो, तो नीचे आ जाएगा ए बी सी प्लस, यहाँ पे कौन सा टर्म है ए, तो कौन सा टर्म नहीं है उसमें साथ में, सर ए तो है बी सी नहीं है, तो ऊपर नीचे बी सी से मल्टीप्लाई कर लो बैलेंसिंग के लिए। देखो ये बेसिक्स अच्छे से क्लियर करो, हाँ जिनको आता है तो आप खुद से आगे कर सकते, कोई इशू नहीं है, जिनको कंफ्यूजन है तो आप अच्छे से चेक कर लो। हाँ देख लो, अब यहाँ पे क्या है बेटा बी, तो कौन से लेटर्स नहीं है, ए और सी नहीं है, तो ए सी से मल्टीप्लाई कर लिया इधर बी, तो ऊपर भी एसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे बैलेंसिंग के लिए।
तो डिनोमिनेटर क्या हो गया बेटा, सेम आ गया ए बी सी, तो ऊपर क्या आ जाएगा ए बी स्क्वेयर, इधर क्या आ जाएगा बी सी स्क्वेयर, इधर क्या आ जाएगा बेटा ए सी स्क्वेयर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देख लो चेक करो ऊपर जाके। हाँ सर है। चलो तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल के लिए मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ क्वेरी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। चलो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।